नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको अभी थर्ड ईयर की परीक्षा में सम्मिलित होना है अथवा जिनको अगले साल थर्ड ईयर के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो अभी मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने में लगा हुआ हूं और तीन सब्जेक्ट जो हैं सी 301, सी 302 और सी 303 इसके हर चैप्टर पर मेरा ये काम करने का इरादा है। अब कितना सफल होता हूँ ये समय बताएगा। हर काम जब करते हैं तो कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो सब बच्चों को खुश करना भी संभव नहीं होता है। कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं हिंदी मीडियम में ही बनाऊँ, कुछ चाहते हैं मैं इंग्लिश मीडियम में बनाऊँ, तो दोनों को संतुष्ट करना संभव नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों के मीडियम के बच्चों को मेरी बात समझ में आ जाए, इसलिए मैं बीच बीच में जो टेक्निकल शब्द हैं वो सारे इंग्लिश में लिख दिया करता हूँ। और जब मैं समझाता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, हिंदी इंग्लिश कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। और लिखने में आपको अच्छी अच्छी किताबें मिल जाएगी, बुक्स मिल जाएंगी, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। और समझाने का काम जो होता है अपनी मातृभाषा हिंदी है उसमें करता हूँ मैं। ओके, तो आज शुरू करते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर। देखिए पहले तो समझें कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर होती क्या है। ये है कैंटिलीवर बीम जिसका एक सिरा होता है फिक्स्ड आबद्ध। ये सिरा आबद्ध है ना, यानी ये कोणीय एंगुलर मूवमेंट का भी विरोध करता है, लीनियर मूवमेंट का भी विरोध करता है और मोमेंट भी ये सहन नहीं कर सकता। एक्चुअली जो एंगुलर मूवमेंट का अपोज करता है वो मोमेंट नहीं ले सकता। तो ये यहाँ पे ये ना तो रेखी गति संभव है, ना कोणीय है, ना ये आघूर्ण ले सकता है, तो फिक्स सपोर्ट है। अब जब मान लीजिए कोई बाहर से कुछ फोर्सेज लग रहे हों किसी प्रकार के, तो यहाँ पे मोमेंट भी उत्पन्न होगा, प्रतिक्रिया भी होगी। तो रिएक्शन तो मान लीजिए अगर मैं इसको ए कहूँ, इसको बी कहूँ, इसको सी कहूँ, तो रिएक्शन होगी यहाँ पे आर ए, और इस जगह जो सारा बेंडिंग मोमेंट आएगा उसका विरोध करने के लिए यहाँ पे एक विपरीत दिशा में प्रतिरोध मोमेंट जो होता है ना वो उत्पन्न हो जाएगा। इसे बोलते हैं रजिस्टिंग मोमेंट या एम आर, और उसको चूँकि ए पर इसलिए एम ए कहूँगा। व्हाट इज एम ए? रजिस्टिंग मोमेंट एट ए, जितना मोमेंट कार्य कर रहा है इस कैंटिलीवर बीम पर, इस पॉइंट पर क्लॉकवाइज, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज यहाँ डेवलप हो जाएगा। अब क्या होता है कि ये जो कैंटिलीवर बीम है ये कभी मान लो ज़्यादा लेंथ की हो जाए या इस पर जो भार लग रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएँ, तो ये जो फ्री एंड है ना मुक्त सिरा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं। विक्षेप के मान जितने होने चाहिए सेफ उससे ज़्यादा निकल जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हमें डिफ्लेक्शंस कम करने होते हैं, स्लोप भी कम करने होते हैं, तो यहाँ पे एक सपोर्ट दे देते हैं। एक मान लीजिए हमने प्रॉप, इसे कहते हैं प्रॉप, इसे कहते हैं प्रॉप, हिंदी में कहते हैं इसको टेक, टेक लगा दी। तो यहाँ क्या होगा कि जैसे पहले मान लीजिए इस जगह पर प्रॉप लगाने के पहले ये इस तरह से बीम कुछ डिफ्लेक्ट हो गई, इस तरह से ये इसका विक्षेप वक्र है ना, तो ये जो पॉइंट बी है यहाँ आ गया, और ये जो विक्षेप है मान लीजिए बी बी वन, ये इतना ज़्यादा है कि लिमिट को क्रॉस कर गया, डेंजर है, खतरा है, कभी स्ट्रक्चर फैलना जो फैलना हो जाए, तो एक सीमा के बाहर जो होता है तो इसको कम करना पड़ता है। तो यहाँ जब हमने ये प्रॉप लगा दी ना तो अब यहाँ डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो गया, बिल्कुल सेफ हो गया। हालांकि इसकी जो डिफ्लेक्टेड सेव अब बनेगी वो ऐसी बनेगी, यहाँ तो ऐसी बनेगी इस प्रकार की, और यहाँ जाके ये वापस ही ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन इतना हो रहा था ना वो ख़त्म हो गया। तो यही इस प्रॉप का मुख्य कार्य है। तो प्रॉप कैंटिलीवर में प्रॉप लगाने का जो मकसद क्या है कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको कम करके शून्य पर लाना, बस और कुछ नहीं है। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ। जो इसका पहला क्वेश्चन है प्रॉप्ड कैंटिलीवर पे वो ये रहा। पहले एक क्वेश्चन ही पहले मैंने इसको थोड़ा और में जो बात आपको समझाई ना उसको मैंने यहाँ फेर किया है। देखिएगा, टेकदार प्रास धरन हिंदी में लिखा है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर इंग्लिश में लिखा है। ये एक कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पर हमने एक सपोर्ट दे दिया है, एक आलम दे दिया है, और जब आलम पे ये चीज़ बाहर जब लग रही होंगे, मान लो ये कैपिटल डब्ल्यू पॉइंट लोड है, ये UDL है, कुछ लग रहा है, तो बीम क्या होगा झुकेगी, तो उसको ये झुकने देगा नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे
प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, उस रिएक्शन को मैंने नाम दिया पी। पी इज कॉल्ड एज प्रॉप रिएक्शन, इट इज प्रॉप रिएक्शन, टेक प्रतिक्रिया, हिंदी में कहते हैं टेक प्रतिक्रिया है, इंग्लिश में प्रॉप रिएक्शन, मैंने पी कह दिया। ये जो सपोर्ट है, जो फिक्स्ड एंड है, यहाँ पर भी इन भारों के कारण कुछ प्रतिक्रिया होगी, जिसको कहा मैंने आर ए, रिएक्शन एट ए। और ये रिएक्शन जो है ना ए पर, ये और जो प्रॉप रिएक्शन पी, ये दोनों मिलकर इन सारे लोड को सहन करेगी। यानी अगर मैं सारा लोड गिनूं, अगर मैं कहता हूँ इसकी लंबाई स्मॉल एल है यहाँ से यहाँ तक, और ये पॉइंट लोड डब्ल्यू है, तो कुल कितना भार हो जाएगा, ये पर यूनिट लेंथ है ना, तो डब्ल्यू को एल से गुना करेंगे, तो डब्ल्यू इंटू एल, और उसमें ये डब्ल्यू जोड़ेंगे, जो डब्ल्यू कैपिटल है पॉइंट लोड, ये जो सारा लोड होगा कुल, ये जो है आर ए और पी के बराबर होगा। यानी कि फिक्स सपोर्ट जो है ना, जहाँ पे रिएक्शन आ रहे है और ये प्रॉप रिएक्शन मिलकर जो होगा, वो टोटल भार के बराबर होगा। ये बातें आपको समझनी चाहिए। अच्छा, मैं जब आपके लिए एमसीक्यू बना रहा हूँ, तो आप ये ना समझना मैं केवल एमसीक्यू ही बना रहा हूँ। आप जब किसी भी चैप्टर की एमसीक्यू मेरे से देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो आपको बहुत सी बात ऐसी बताऊँगा जो आपके एनालिटिकल जो प्रॉब्लम होती है उसको करने में भी सहायक होंगी, हेल्प करेंगे आपको। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना 12 नंबर के, 8 नंबर के, 6 नंबर के, वो करने में भी आपको हेल्प मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये फिक्स्ड एंड मोमेंट है, ये रिएक्शन एट फिक्स्ड एंड है, ये प्रॉप रिएक्शन है, तो ये कहलाती है प्रॉप कैंटिलीवर। अच्छा, ये जो हमने प्रॉप लगाई है, ये नॉर्मली लगाते हैं फ्री एंड पर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जहाँ वो स्ट्रक्चर बना हुआ है वहाँ ऐसी कंडीशन नहीं होती कि फ्री एंड पर आप सपोर्ट दे सकें, तो हम बीच में भी कहीं लगा सकते हैं उचित स्थान पर। तो ये प्रॉप कभी कभी हम बीच में भी लगा देते हैं, जैसे यहाँ मैंने लगाई बी पर, या लगाई मैंने सी पर। लेकिन जहाँ भी प्रॉप लगाएंगे वहाँ डिफ्लेक्शन जीरो होगा, विक्षेप जीरो होगा, ये नॉर्मल बात आपको ध्यान रखनी है। ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बोल के कही हैं वो मैंने लिख भी दी हैं। कैंटिलीवर में जब किसी कारण से विक्षेप का मान एक निश्चित सीमा से ज़्यादा हो जाता है, वेन एवर डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड एक्सीड्स ए परमिसिबल लिमिट्स, तो इसके फ्री एंड बी या किसी उचित स्थान पर सहारा टे की आधार लगा दिया जाता है, देन ए सपोर्ट ए प्रॉप इज अप्लाइड एट इट्स फ्री एंड और एनी अदर पॉइंट इन बिटवीन फ्री एंड एंड फिक्स्ड एंड एट अप्रोप्रिएट प्लेस, जिससे उस कैंटिलीवर में विक्षेप का मान नियंत्रित हो जाता है, देन द डिफ्लेक्शन इज कंट्रोल्ड इन द कैंटिलीवर बीम, और कंट्रोल क्या, वो जीरो हो जाता है। तो ये आपको मैंने बताया कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर क्या होती है। अब मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन जो बन सकता है आपके, प्रॉप्ड कैंटिलीवर के फिक्स्ड एंड यानी कि आबद्ध सिरे पर, फिक्स्ड एंड को कहते हैं अपन आबद्ध सिरा पर, ढाल और विक्षेप के मान लिखे हैं, यानी कि ढाल का मतलब स्लोप और विक्षेप का मतलब वाई डिफ्लेक्शन के मान लिखे हैं। तो आप समझ लीजिएगा जो फिक्स्ड एंड है उस पर स्लोप भी जीरो होता है और डिफ्लेक्शन भी जीरो होता है। देखिएगा यहाँ पे ये फिक्स्ड एंड था ना, ये जहाँ ए पॉइंट पहले था, बार लगने के बाद वहीं रहेगा, तो डिफ्लेक्शन जीरो है, उस स्लोप की जीरो है, ये इसका डिफ्लेक्टेड शेप जो बन रही है वाली, ये वाली। अगर मैं इस डिफ्लेक्टेड शेप के ऊपर इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचूं, तो वो सीधी रेखा आएगी हॉरिजॉन्टल, और जब रेखा जब होती है हॉरिजॉन्टल, यानी एंगल कितना होता है हॉरिजॉन्टल से जीरो डिग्री, तो स्लोप क्या होगा, टेन जीरो, जीरो होता है स्लोप इसका, जीरो होगा। तो फिक्स्ड एंड पर जो आबद्ध सिरा है, जो एंड फिक्स्ड है, वहाँ पर स्लोप भी जीरो होता है और डिफ्लेक्शन भी जीरो ही होता है। इस बात को आप ध्यान रखें, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिक्स्ड एंड पर स्लोप भी जीरो और डिफ्लेक्शन भी जीरो, ये पहला क्वेश्चन मैंने बनाया आसान आपके लिए। दूसरा, टेकदार प्रसरण में टेक प्रतिक्रिया ज्ञात करने में कौन सी विधि सरल है, विच मेथड इज सिंपल इन फाइंडिंग प्रॉप रिएक्शन फॉर प्रॉप्ड कैंटिलीवर। देखिए, प्रॉप्ड कैंटिलीवर में प्रॉप की जो रिएक्शन है उसको निकालने में दो मेथड काम आते हैं, एक तो मैकालेस मेथड और एक मोमेंट एरिया मेथड या एरिया मोमेंट मेथड। मैं बता दूं, मैकाले मेथड थोड़ा लंबा पड़ेगा और इजी नहीं है, कैलकुलेशन में थोड़ी टफ होती हैं। तो ये जो एरिया मोमेंट मेथड है, क्षेत्र आघूर्ण विधि, लिखा ना मैंने क्षेत्र आघूर्ण विधि, ये सिंपल है, ये मेथड सिंपल है, और इस मेथड से प्रॉप रिएक्शन निकालने में बहुत ज़्यादा सरलता होती है इन कंपेरिजन टू
मैगालेज मेथड। तो लिख देता हूँ भाई, एरिया मोमेंट मेथड। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया, ऐसा लिखा गया कि प्रॉप कैंटिलीवर में प्रॉप रिएक्शन निकालने के लिए कौन सी मेथड अच्छा है। चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, पहला मैगाले विधि, दूसरा द्विसमाकलन विधि, तीसरा क्षेत्रागुण विधि, चौथा सभी। तो आप लिखेंगे क्षेत्रागुण विधि, जो भी होगा ठीक है ना, ध्यान रखें इस चीज़ को। तीसरा क्वेश्चन, टेकदार प्रासधरण में यानी कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर में कितने अज्ञात मान ज्ञात करने होते हैं, कितने रिएक्शन कंपोनेंट्स हैं। ये तो तीन रिएक्शन कंपोनेंट मैंने आपको पहले ही कह चुका था, यहाँ पे देखिए तीन चीज़ें होती हैं जो अज्ञात होती हैं, एक तो आर ए रिएक्शन एट ए, एक एम ए फिक्स्ड एंड मोमेंट, और एक प्रॉप रिएक्शन पी। ये तीन जो होते हैं ना, ये होते हैं अननोन्स, और इन तीन अननोन्स को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन काफ़ी नहीं होती हैं। तो एक कॉम्पेटिबिलिटी की इक्वेशन और आएगी, जो कभी आपको मैं मौका पड़ेगा पूछेंगे कोई मेरे से क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। फिलहाल आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयारी करा रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना देर आर थ्री रिएक्शन कंपोनेंट्स, प्रॉप रिएक्शन पी, रिएक्शन एट फिक्स्ड एंड आर ए, एंड फिक्स्ड एंड मोमेंट एम ए, यानी कि आबद्ध सिरा घूर्ण, आबद्ध सिरे पर प्रतिक्रिया और टेक प्रतिक्रिया। ये तीन जो होते हैं ये अज्ञात मान होते हैं। ये तीन आपको निकालने के बाद में शीयरफॉल डायग्राम है, बेनिमम डायग्राम है, निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। ये मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर तीन के बारे में। ये क्वेश्चन आया नहीं, मैंने बनाए आपके तैयारी होगी, और ये केवल एमसीक्यू के हिसाब से नहीं है। अगर आप बेसिकली मेरी बातें पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी और बड़े बड़े क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब देखिएगा ये चौथा क्वेश्चन, ये 2016 के पेपर में आया हुआ है। कितना सिंपल, देखिए, टेकदार प्रासधरण वह है जिसका, अब इसमें चार ऑप्शन दे रखे थे, पहला ऑप्शन जिसका एक सिरा आबद्ध है और दूसरा सिरा आलंबित है। दो उत्तर ये थे, अन्य तीन उत्तर ये थे। एक उत्तर ये दे रखा था आपको चार ऑप्शन में से, बाकी तीन ऑप्शन ये थे, एक सिरा आबद्ध, दूसरा सिरा मुक्त, यानी कि वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड फ्री। अगला आंसर, दोनों सिरे शुद्ध आलंबित, यानी कि बोथ एंड्स आर सिंपली सपोर्टेड। और लास्ट आंसर, दोनों सिरे आबद्ध, यानी बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। अरे भाई, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड तो फिक्स्ड बीम में होता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। दोनों सिरे शुद्ध आलंबित मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम होती, वो भी नहीं है। एक सिरा आबद्ध और दूसरा सिरा मुक्त, ये तो सिंपल कैंटिलीवर होता है। तो ये जो पहला ऑप्शन दे रखा था ना, वो इसका आंसर होगा। यानी टेकदार प्रासधरण प्रॉप्ड कैंटिलीवर वो बीम होती है जिसमें एक सिरा होता है, एक एंड होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है प्रॉप्ड, यानी कि सपोर्टेड, यानी कि आलंबित सपोर्टेड। तो ये क्वेश्चन 2016 में आया था। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने बनाया मन से और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। देखिए, आपको एक कैंटिलीवर बीम दी है जिसका स्पान है एल, और ये प्रॉप रिएक्शन है पता करना कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? यू डी एल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये ए है इसका फिक्स्ड एंड, बी है इसका वो एंड जहाँ पे प्रॉप लगी हुई है। तो कितना आसान आप चीज़ देखिएगा। देखिए, अगर ये प्रॉप रिएक्शन नहीं होती, मान लो ये नज़ारत होती, गायब होती, तो क्या होता भाई? ये भार लग रहा है ना, उसके कारण ये बी एंड नीचे आता। लेकिन आपने प्रॉप लगा दी, इसका मतलब इसका डिफ्लेक्शन जीरो हो गया बी पॉइंट का। जब आपने सपोर्ट दे दिया, यहाँ से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब इसको आप इनडायरेक्टली ऐसा समझिए कुछ समय के लिए, कि एक बार तो ये मान लीजिए कि केवल ये लोड ही लगा हुआ है या प्रॉप है ही नहीं, और एक बार ये मान लीजिए कि लोड है ही नहीं, केवल प्रॉप है, यानी जो प्रॉप रिएक्शन है ना, वो एक तरह का पॉइंट लोड बन गया। क्या बन गया? पॉइंट लोड। तो ये जो पॉइंट लोड है, बिंदु भार है, कंसेंट्रेटेड लोड है, ये इस पॉइंट को ऊपर ले जाएगा, ऊपर डिफ्लेक्ट करेगा बी पॉइंट को, और ये जो यूडीएल है इस पॉइंट को नीचे लाएगा। और जब ये नीचे ऊपर वाले दोनों डिफ्लेक्शन बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। मैं कहता हूँ इस यूडीएल के कारण अगर ये 2 mm नीचे आता है और इस प्रॉप रिएक्शन के कारण 2 mm ऊपर जाता है, तो इसका कितना डिफ्लेक्शन होगा? जीरो, जो कि है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस पी अपवर्ड शुड बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस W डाउनवर्ड। जैसे दोनों बराबर करेंगे आपको P मिल जाएगा, एक लाइन का आंसर आएगा। देखिएगा,
पी के कारण वाई बी, वाई बी मतलब वाई का मतलब डिफ्लेक्शन, बी मतलब बी पर, तो डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू पी इज इक्वल टू डब्ल्यू यानी यूडीएल के कारण वाई बी यानी डिफ्लेक्शन। इट मीन्स डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू दिस प्रॉब रिएक्शन इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट द सेम पॉइंट बी ड्यू टू दिस यूडीएल। अभी डायरेक्ट फॉर्मूले हैं भाई, ये तो पॉइंट आउट है ना, तो कल मैंने आपको बताया था, पिछला वीडियो था इसके अंदर, कि डब्ल्यू एल क्यू अपॉन थ्री ई आई होता है, डब्ल्यू जगह पी काम में ले लेंगे तो पी एल क्यू बटा थ्री ई आई हो गया डिफ्लेक्शन बी पॉइंट का इस प्रॉप के कारण। और ये यूडीएल कारण क्या होता है, डब्ल्यू एल फोर अपॉन ए टी आई, डब्ल्यू एल फोर अपॉन ए टी आई। सॉल्व किया तो डब्ल्यू एल फोर अपॉन ए टी आई ये उधर चला गया, थ्री ई आई बटा पी एल क्यू सब कुछ कट गया, आखिर में आ गया थ्री डब्ल्यू बाई एट। तो ये मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पे थ्री डब्ल्यू बाई एट। आपके चार ऑप्शन होंगे, उन चार ऑप्शन में एक आंसर ये भी होगा, वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने एक बनाया से, और कई बन सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं आराम से। अगर बेसिकली आप हर चीज़ समझ लोगे तो कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। लास्ट पेज इस वीडियो का, क्यों इस पे क्वेश्चन कम आते हैं। एक मैंने क्वेश्चन और बनाया है कि अगर ये कोई प्रॉप्ड कैंटिलीवर है जिसके फ्री एंड पर ये प्रॉप लगी है और बीच में पॉइंट लोड लगा हुआ है, और ये कहा गया है कि ये पी कितना होगा, व्हाट इज़ दिस प्रॉप रिएक्शन। हालांकि ये उससे थोड़ा लंबा है लेकिन मैंने ले लिया इसको, तो कारण वही है, तरीका वही है कि इस पी के कारण जो डिफ्लेक्शन होगा ऊपर, वो डिफ्लेक्शन इस डब्ल्यू कारण होगा नीचे बी पर, और दोनों बराबर होंगे। तो मैंने देखिए पी कारण क्या होता है, पी एल क्यू बटा तीन ई आई, और इसके कारण क्या होगा, पहले इसके कारण यहाँ निकालेंगे डिफ्लेक्शन जो डब्ल्यू स्मॉल एल क्यू बटा थ्री ई आई, प्लस आगे की लाइन लेंगे एल माइनस एल जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और इंटू यहाँ पर स्लोप डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा दो ई आई। बस इसके अंदर अब ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई सवाल आएगा तो ये न्यूमेरिकल होगा, छोटा ऑब्जेक्टिव आप रफ में कर सकते हैं, तो आराम से वैल्यू पुट करके आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज का, सातवां क्वेश्चन, ये आने की संभावना कम है, लगभग ना के बराबर ही मानो आप, लेकिन अगर कभी आ जाए तो चूकना नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। देखिए कई बार क्या होता है कि एक आता है कि जिस जगह प्रॉप लगी है वहाँ सपोर्ट यील्ड कर गया, यानी सपोर्ट वहाँ थोड़ा खिसक गया अपने जगह से, या एक और तरीका हो सकता है कि आपने जो प्रॉप लगाई और जो उसका फ्री एंड है कैंटिलीवर का, उसके बीच में एक मामूली सा गैप रह गया, आधा एम एम, पॉइंट वन एम एम, पॉइंट टू एम एम, इस प्रकार का। इसको हम कई बार सिंकिंग ऑफ सपोर्ट कहते हैं, सपोर्ट का सिंक होना यानी कि दबना, झुकना। तो सिंकिंग ऑफ सपोर्ट को मैंने नाम दिया डेल्टा। ये डेल्टा है ना, एक छोटा सा गैप है जो इस प्रॉप और इस कैंटिलीवर के फ्री एंड के बीच में, देखा ना ये छोटा सा गैप, इतना सा ये गैप है। तो क्या होगा जब कभी आप लोड लगाएंगे, तो ये देखो ये पी का मतलब प्रॉप रिएक्शन है, लेकिन यहाँ जो आपका लोड के कारण जो होगा आपके ये विक्षेप नीचे होगा, वो होगा वाई बी वन डब्ल्यू एल फोर अपॉन ए टी आई, और ये जो प्रॉप रिएक्शन के कारण जो होगा वो ये आप इधर को पॉइंट लोड है तो पी एल क्यू बटा थ्री ई आई। अब अगर ये मान लो ये गैप नहीं होता तो हम सिंपली कह सकते थे कि भाई ये दोनों बराबर हैं, पर इस बार तो ये बीच में गैप आ गया, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे भाई कि यो ये नीचे वाला ना वाई बी वन इट शुड बी इक्वल टू वाई बी टू ऊपर वाला ड्यू टू पी प्लस दिस सिंकिंग। ये आप ध्यान रखें बस, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, तो ये मैंने आपको हिंट दिया ना, इससे आप बड़े बड़े क्वेश्चन जो छः नंबर की कर सकते हैं, आने की संभावना ना के बराबर है लेकिन फिर भी कभी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है बस। वैसे हम दोनों को बराबर करते हैं, पर इस बार चूंकि पहले से यहाँ गैप दे रखा है ना, तो आपको चूंकि अल्टीमेट तो नीचे जो डिफरेंस नीचे हो रहा है इसका, ये अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए डेल्टा ज़ीरो हो जाए तो उस केस में वाई बी वन बराबर वाई बी टू हो जाएगा, जो कि होता ही है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये मैंने अपना वीडियो पूरा कर दिया है, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, जितने भी बनते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। और कुछ आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो मैंने आपको क्वेश्चन तो नहीं लिखवाए लेकिन आपको यहाँ मैंने आपको सिखा दिया है। देखिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो मैंने इसमें लिया नहीं है पर अब बन गया, कि बताइए ये जो प्रॉप कैंटिलीवर है इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कैसी होगी, इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कैसी होगी। तो ये इसकी डिफ्लेक्टेड शेप आप ध्यान रखें,
जैसे ये देखो, ये ना देखिए इस प्रकार की कई बार ऐसे सवाल आते हैं आपके, तो इसको यूँ करके यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे। अब एक ऑप्शन तो आपको एग्ज़ाम ये दे रखा होगा, और एक हो सकता है यूँ कर दे और फिर ऐसे कर दे, ये गलत हो गया। ये एक आपको ऐसे दे सकता है, ये भी गलत है। एक आपको ये जो ये एंड है ना, यहाँ तो ऐसा कर दे और वहाँ पे ऐसा कर दे, वो भी गलत है। तो अगर आपको सही सही पता होगा तो आप अपने आप आंसर सही ही देंगे, गलत देंगे ही नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें। जितने भी आपके जान पहचान वाले बच्चे दूसरे हैं, ज़रूरी नहीं वो आपके शहर के हों, किसी और शहर की हो सकते हैं, आप उनको भी ये वीडियो भेजें। जितना ज़्यादा ये वीडियो देखेंगे बच्चों को फ़ायदा होगा। देखिए मुझे फ़ायदा बाद में होगा जब मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, लेकिन बच्चों को फ़ायदा तुरंत होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।